महिला आरक्षण को कैबिनेट की मिली मंजूरी। संसद के विशेष सत्र की घोषणा के साथ ही जिस महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा तेज हुई थी उसे पारित कराने की तैयारी सरकार ने कर ली है। पूरी संभावना है कि नए संसद भवन में सबसे पहले आधी आबादी की राजनीतिक हिस्सेदार तय करने वाले इस विधेयक को हरी झंडी देकर ऐतिहासिक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। बताया जाता है कि सोमवार को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। इस आरक्षण के जरिए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। होयसल मंदिर समूह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल। कर्नाटक में बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह फैसला सऊदी अरब के रियाद में चल रहे विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान लिया गया। विश्व निकाय ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट में यह घोषणा की। एक दिन पहले रविवार को बंगाल के शांति निकेतन की प्रतिष्ठित टैग को प्रदान किया गया था। शांति निकेतन में ही कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सदी पहले विश्व भारती की स्थापना की थी। यूनेस्को ने कहा, होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, बधाई हो भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कहा, भारत के लिए यह गौरव की बात है। होयसल मंदिर की सुंदरता और जटिल निर्माण कला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हमारे पूर्वजों के असाधारण शिल्प कौशल का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थल यशोभूमि का भी उद्घाटन किया गया। यशोभूमि नई दिल्ली के द्वारिका में स्थित है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के नाम से जाना जाएगा। आदित्य यलवन ने वैज्ञानिक डाटा एकत्र करना शुरू किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट करके बतलाया कि आदित्य में लगे उपकरण सुप्रा के सेंसर ने सुपर थर्मल और ऊर्जावान आयन के इलेक्ट्रॉनों को मापना शुरू कर दिया है। इसे 10 सितंबर को पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर सक्रिय किया गया था। स्टेप्स आदित्य के क्रूज चरण और L1 की पास की कक्षा में पहुंचने के बाद भी स्टेप्स के सेंसर आयनों और इलेक्ट्रॉनों को मापते रहेंगे। L1 के आसपास एकत्र किए जाने वाले डाटा से सौर हवा और अंतरिक्ष के मौसम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेंगी। RBI ने अध्ययन में कहा, पुरानी पेंशन लागू की तो राज्य को चुकानी होगी भारी कीमत। नई पेंशन प्रणाली NPS की जगह पुरानी पेंशन स्कीम OPS को लागू करना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। प्रमुख विपक्षी पार्टी जहां हर राज्य में इसे लागू करने की बात करने लगी हैं, वहीं केंद्र ने NPS में बदलाव पर सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। इस बीच RBI ने सभी दलों को परोक्ष तौर पर फिर से चेतावनी दे दी है कि अगर NPS की जगह OPS को लागू किया गया तो राज्य की भारी वित्तीय कीमत चुकानी पड़ेगी। सोमवार को RBI ने शोधकर्ताओं ने इस बारे में एक आलेख में साफ तौर पर कहा कि राज्यों में OPS लागू करना वित्तीय तौर पर टिकाऊ नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वर्ष 2040 के बाद राज्यों को पेंशन भुगतान का बोझ मौजूदा स्तर के मुकाबले 4.5 गुना बढ़ जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, औसत आय में वृद्धि होने से यह बोझ बाद के वर्षों में तेजी से बढ़ेगा। कुल कितना बोझ होगा यह तो बताना अभी कठिन है क्योंकि बहुत कुछ भावी ब्याज दरों से तय होता है। रिपोर्ट के मुताबिक OPS को फिर से लागू करना आर्थिक सुधारों को पीछे ले जाने वाला कदम होगा और यह वित्तीय सुधार के जो फायदे हुए हैं उनको खत्म करने जैसा होगा। आज पूरे देश भर में संसद के विशेष सत्र की चर्चा रही। 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के इस विशेष सत्र में कई ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। मोदी सरकार द्वारा बनाए गए नए संसद भवन में मंगलवार से कामकाज शुरू हो जाएगा। संसद के विशेष सत्र की पहली व पुरानी संसद भवन की अंतिम बैठक सोमवार को हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के इतिहास को याद किया, कई घटनाक्रमों का उल्लेख किया और गौरवशाली उपलब्धियों का श्रेय भी सभी को दिया। उन्होंने कहा कि हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। इसके निर्माण करने या निर्माण विदेशी शासकों का था ही, लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं इसके निर्माण में पसीना, श्रमिकों व धन देशवासियों का लगा था। हम नए विश्वास के साथ नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे, लेकिन पुराना संसद भवन भी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। मोदी ने कहा,
यह हम सबकी साझी स्मृतियाँ, साझी विरासत हैं, इसका गौरव भी हम सबका साझा है। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक लंबी श्रृंखला है जिसने इस सदन का नेतृत्व किया और देश को दिशा दी। हम उम्मीद करते हैं आज का डीने आपके लिए कारगर रहा है, ज्ञानवर्धक रहा है, और ऐसे ही रोज की तरह हम खबरों का विश्लेषण और खबरों की चर्चा करते रहेंगे। और कुछ सुझाव अगर हो हमारे लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। डीएनए को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।